अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम जबलपुर जिले के अकादमिक उत्कृष्टता की झलक लेकर उपस्थित हैं। इसी अकादमिक उत्कृष्टता के चलते जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जबलपुर द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के शैक्षिक जगत के समक्ष राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मंच पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 16 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई। मॉड्यूल के समस्त पहलुओं पर डाइट जबलपुर की प्राचार्य आदरणीय शशि बाला झा मैम के मार्गदर्शन पर डाइट के वरिष्ठ सदस्यों उषा शुक्ला मैम, स्वाति बरखेड़कर मैम तथा शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान मॉन्टेसरी स्कूल की सक्रिय शिक्षक शीबा खान जी द्वारा रोचक एवं विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एनआरजी माननीय ज्योति भाटिया मैम सहित समस्त वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा जबलपुर डाइट की इस प्रस्तुति को उत्कृष्ट निरूपित किया गया। ऐसी अनुपम प्रस्तुति के लिए डाइट प्राचार्य आदरणीय शशि बाला झा मैम सहित जबलपुर टीम के सक्रिय सदस्य उषा शुक्ला मैम, स्वाति वरखेड़कर मैम तथा शीबा खान मैम का पुनः वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए देखें जबलपुर डाइट की यह अतुलनीय प्रस्तुति। मित्रों, आप सबने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कम से कम पेपर के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से अवश्य ही सुना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमें छोटी आयु समूह के बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको अवसर देने के प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बहुत मुखर रूप से सामने आई है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है। ये जो अवसर है, ये आपके लिए न केवल एक चुनौती है बल्कि आप स्वयं के लिए भी एक अवसर के रूप में है कि किस प्रकार आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। इस मॉड्यूल को करते समय मैं समझता हूँ आपने प्रोफेसर रितु चंद्रा, डॉक्टर पद्मा यादव को सुना होगा और एक विशेष नाम मैं इसमें लेना चाहता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर विनीता कौल हैं, उनका संवाद भी आपने सुना होगा, वीडियो के माध्यम से भी सुना होगा। इसके अलावा जो कुछ वीडियो लिंक उपलब्ध कराए गए थे वो भी देखे होंगे आपने। खुला आकाश करके एक वीडियो लिंक दी गई है, उसमें बच्चे किस प्रकार सीखते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है। पिक्चर रीडिंग का क्या महत्व है पूर्व प्राथमिक स्तर पर 3 से 6 आयु समूह के वर्षों में, इस पर भी बहुत विस्तार से मॉड्यूल के माध्यम से बताया गया है। अब मुख्य उद्देश्य ये आता है कि इसको हम अपनी कक्षाओं में क्रियान्वित कैसे करेंगे। तो साथियों, मैं आपको इस सत्र में अपने प्रदेश की एक ऐतिहासिक संस्था पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जो 1954 से एस्टेब्लिश्ड है, उसकी शिक्षिका से भी मिलवाऊंगा और बात करेंगे हम किस प्रकार प्री प्राइमरी एजुकेशन को महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा सकता है। मैं डाइट जबलपुर को आमंत्रित कर रहा हूँ। डाइट जबलपुर से श्रीमती उषा शुक्ला, स्वाति वरखेड़कर और एनआरजी के रूप में हमारे बीच में होंगी ज्योति भाटिया, और पीपीटीआई पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान से श्रीमती शीबा खान। मैं इस टीम को आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अपने विचार रखने के लिए। उषा शुक्ला मैडम। साथियों, माँ रेवा की पावन गोद में पली हुई संस्था धानी में अवस्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आप सबका हार्दिक अभिवादन करता है एवं नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता है। साथियों, भारत जैसे विशाल देश के आम जनों के सामने इस समय ढेरों असुलझे प्रश्न, बच्चों को सही आचार व्यवहार सिखाने का प्रश्न है तो कहीं उनकी देखभाल का प्रश्न है, कहीं उनके समग्र विकास की चिंता है तो कहीं बड़े बच्चों की अनुपस्थिति का मुद्दा सामने आ जाता है। संभवतः इन सारे प्रश्नों का एक ही समाधान हो सकता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। 29 जुलाई 2020 की शिक्षा नीति के प्रारूप में स्पष्ट उल्लिखित है कि 3 से 6 आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान संभवतः उस शिक्षा
शिक्षा नीति को लागू करने के साथ साथ संभव हो सकेगा, ये हम सब शिक्षक आशा करते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क का बारे में बात करते हैं, तो इस स्तर पर मोंटेसरी पद्धति को ही अंगीकृत किया गया। क्योंकि मोंटेसरी पद्धति के अनुसार एक बच्चा अपने आप में विशेष होता है, उस बच्चे के सर्वतोमुखी विकास के लिए हमें भरसक प्रयास करने हैं। तो यहाँ पर शिक्षक को उस शिक्षण शास्त्र की समझ होना ही चाहिए, क्योंकि उस शिक्षक को अपनी कक्षा में एक आनंददायी वातावरण का निर्माण करना है, बाल केंद्रित व्यवस्था सब जमानी है, और साथ ही साथ मूल्यांकन के आनंददायी और रोचक तरीकों की पहचान भी रखनी है, उन्हीं के माध्यम से वो मूल्यांकन करेंगे। अब साथियों, यहाँ बात यह आ जाती है कि बाल विकास की ये धुरी भले ही शिक्षक के हाथ में, लेकिन कर्तव्य सब लोगों का है। माता पिता और अभिभावक समुदाय जब तक सम्मिलित रूप से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे सपने साकार नहीं हो सकते। सबकी बराबर भूमिका है, इसलिए सबके साझे प्रयासों से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बीच में सुगम रूपांतरण संभव हो सके, यही हम सबका वास्तविक ध्येय है, और ये ध्येय अवश्य पूरा होगा, लेकिन इसके लिए हमें योजनाबद्ध रूप से प्रयास करना होगा। क्योंकि प्रश्न तो विकटतम, किंतु एक भी ऐसा नहीं कि जो हल नहीं होता। बस पसीनों से नए पनघट बनाना होंगे हमें, क्योंकि सागरों के पास मीठा जल नहीं होता, सागरों के पास मीठा जल नहीं होता। तो इस योजना की कड़ी को आगे का रूप देने के लिए मैं अकादमिक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए डाइट के अपनी साथी मैडम स्वाति को आमंत्रित कर रही हूँ। मैडम स्वाति। साथियों, मॉड्यूल में इस बात पर विशेष फोकस किया गया है कि शिक्षक बच्चे को समझे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित विकास हेतु उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाने। 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बालवाड़ी जाएगा, तो शिक्षक को उसके भावनात्मक एवं सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट होता है। बड़े प्यार से बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करने के अवसर देने होंगे, साथ ही उनके माता पिता को भी स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करना होगा। दूसरी बात, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुभवों से, चीजों को बनाने से, प्रयोग द्वारा, खेल खेल में, प्रश्न पूछने से, वस्तुओं को छूकर, जोड़ तोड़ से, संवाद द्वारा एवं अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अतः शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना होगा। प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न शिक्षक को खेल, पर्यावरण और परस्पर संवाद आधारित शिक्षण विधियां अपनानी होंगी। साक्षरता कौशल विकसित करने, भाषा विकास के अंतर्गत संवाद करना, चित्र पुस्तकें देखना, कहानी सुनाना, रेत और कागज पर लिखने की गतिविधियां कराई जाएं। मॉड्यूल में सीखने के एकीकृत दृष्टिकोण के लिए कक्षा में सीखने के 7 क्षेत्रों को निर्धारित करने की बात कही गई है। एक ऐसा क्षेत्र जहां बच्चों के विशिष्ट विकास से संबंधित गतिविधियों को करने सामग्री रखी गई हो, सीखने के केंद्र कहते हैं। संभवतः तकनीकी समस्या है डाइट जबलपुर के साथ, इस बीच में एनआरजी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे की बात रखेंगे। जैसा कि हम लोग समझ रहे थे, अभी बातचीत कर रहे थे, कि मुख्य अकादमिक बिंदु है जिसमें सीखने के 7 क्षेत्र हैं, तो निश्चित तौर पर ये 7 क्षेत्र इस उम्र के बच्चों के सीखने, समझने, भाषागत विकास में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब इन 7 क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे कमरे में हर जगह पर विजिबल होने चाहिए, बच्चों की पहुंच में होने चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे एक जगह पर ठहर कर बहुत देर तक नहीं बैठते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पर ये 7 सीखने के क्षेत्र, हमारे कमरे के ये 7 कोने बच्चे को अलग अलग तरह से सीखने में मदद करेंगे।
एक चीज का बहुत ध्यान रखना है एक शिक्षक होने के नाते, यदि हमारे कमरे में इतनी जगह नहीं है जहां हम इन सातों क्षेत्रों को एक साथ डिस्प्ले करके रख सकते हैं, तो हमें एक निर्धारित समय के बाद उसको बदल देना चाहिए ताकि बच्चों को हर तरह के क्षेत्रों का अनुभव मिल सके, और इनको बदलने के लिए कम से कम 15 दिन का समय निर्धारित करने की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सारे क्षेत्र बच्चे को कहाँ कहाँ किस किस जगह मदद करते हैं। तो एक अहम हिस्सा है बच्चे के मौखिक भाषा विकास के लिए, उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास होना बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसकी सूझबूझ को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ ये मदद करती है कि किस तरह से बच्चा स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा और किस तरह से किसी गतिविधि के संचालन के लिए वो स्वप्रेरित होगा। अब बात करते हैं भाषा विकास की और उसकी प्रारंभिक साक्षरता की। तो जब भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता के संदर्भ को देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे अपने घर में अपनी एक भाषा लेकर के अपनी बातों को किसी के सामने रखने का काम करते हैं। तो जब ये भाषा विकास की बात हो रही है, उसकी प्रारंभिक साक्षरता की बात हो रही है, तो वो हमारे स्कूल में, हमारे केंद्र में निश्चित तौर पर अपनी भाषा साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जरूरी है उनकी भाषा को हमारे केंद्र पे, हमारी संस्था के अंदर उतना ही अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए, जिसके लिए हम बच्चों के साथ कुछ चित्र कहानियों के ऊपर काम कर सकते हैं, उनसे चित्र बनवा सकते हैं, उनके चित्रों को साथ में वो क्या सोच कर बनाए हैं उसकी अभिव्यक्ति के मौके दिए जा सकते हैं। फिर आते हैं हम एक शारीरिक हिस्से के ऊपर। तो जब हम शारीरिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों की सूक्ष्म और जो मुख्य मांसपेशियां हैं उनके विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ बच्चे इस समय पर उनके शरीर का जिस तरह से विकास हो रहा है वहां उनके साथ अलग अलग तरह की गतिविधियां करने की जरूरत है। जैसे अगर हम उनकी छोटी मांसपेशियों की बात करते हैं तो उनके साथ में हमें बच्चों को कुछ क्ले का मटेरियल देना होगा, या फिर हम छोटे छोटे गीली मिट्टी से कुछ आकृति गढ़ने का काम दे सकते हैं, बच्चे को बालू रेत के अंदर रेत का घर बनाने का काम दे सकते हैं, या फिर अगर हम कहते हैं कि उनकी सामूहिक जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनके विकास की अगर बात करते हैं तो उनके साथ कुछ खेलकूद के काम करने होंगे, जिसमें दौड़ना, भागना, पकड़ना, खींचना, रस्सी है, रस्सी की खींचातानी करना। लेकिन इस सारे समय पे हमें ध्यान देना होगा कि बच्चे को कहीं चोट ना लगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रचनात्मकता और सौंदर्य बोध किस तरह से काम करता है। तो रचनात्मकता और सौंदर्य बोध, आपने नोटिस किया होगा कि इसी उम्र में बच्चे बहुत सहज रूप में कह देते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, या मुझे ये चीज खाने में बहुत अच्छी लग रही है। इसका मतलब है कि बच्चे जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं लगता है उसे। तो यहाँ रचनात्मकता और सौंदर्य बोध से परिचय कराने का एक अच्छा तरीका है हमारे पास, जहाँ हम बच्चों को चित्र बनाना, कहानी बनाना, कविताएं गढ़ना, खुद से माचिस के छोटे छोटे डिब्बियों के साथ एक घर बनाना, रेलगाड़ी बनाना, अलग अलग तरह के कई सारे कामों को करने का मौका हम बच्चे को दे सकते हैं। अब आते हैं अगले हिस्से पर, जहां हम बात करते हैं सामाजिक और भावनात्मक पे। हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, अगर हम उनसे कुछ कह देते हैं तो वो बहुत तुरंत अपना प्रतिक्रिया देते हैं, शायद गुस्सा करके या रो करके, नाराज हो करके। ये सारी जो भावनाएं हैं, एक ही भावना बच्चे पर हावी ना हो उसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे रोल प्ले, कुछ नाटक ऐसे करवाएं बच्चे को, जिसमें बच्चे सामाजिक ताने बाने को भी समझ सके और साथ ही साथ वो यह समझ सके कि यदि इस परिस्थिति में मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं वहां अपनी भावनाओं का नियंत्रण किस तरह से करूं। तो यह कुछ अनुभव है बच्चे के जो उसे सीखने में, समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आज हम अपनी शालाओं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कक्ष इस तरह के हों, हमारा विजन इस तरह का हो कि हम बच्चों का विकास इस दिशा में इस ओर लेकर जा सके। अब
इसमें थोड़ी सी आगे की बात करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि शिवा खान मैडम है जो जबलपुर, आप कनेक्ट हो पाए हैं क्या दोबारा? शिवा खान को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अपनी बात रखें। जी, मुख्य अकादमिक बिंदुओं के अंतर्गत मैं अपनी शाला के अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। मध्य प्रदेश की एकमात्र संस्था शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान में बाल मंदिर में दो कक्षाएं लगती हैं, बाल कक्षा और कच्ची पहल। बाल कक्षा में 3 से 4 उम्र के बच्चे प्रवेश लेते हैं। बहुत छोटे होने के कारण कई बार शुरू में बहुत रोते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को देखकर पूरी कक्षा रोने लगती है। तो इन बच्चों को शुरुआत में पारिवारिक माहौल देना अनिवार्य होता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षक को प्रेम भाव के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। उन्हें मातृत्व भाव से बच्चों को स्नेह देकर संभालना होता है। इसीलिए शाला की परंपरा अनुसार बच्चे यहाँ शिक्षक को दीदी कह के पुकारते हैं, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि वह परिवार में। बच्चों की कई बार दोपहर में सोने की भी आदत होती है, तो वहां उनकी सोने की भी व्यवस्था की जाती है। शाला में उनका मन लगने लगे इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में बाल केंद्रित गतिविधियां रुचिपूर्ण और आनंददायी वातावरण में खेल खेल में करवाई जाती। सचमुच हमारे प्रदेश का एकमात्र पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान शिवाजी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कोई बाहरी बंधन नहीं, फिर भी स्वयं शासन में बंधे हुए आपके बच्चे खेल खेल में कैसे इतना कुछ सीख जाते हैं? जी मैडम, खेल का पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक महत्व है। हम सभी जानते हैं बच्चे खेलों के द्वारा उनको जो सिखाना है वो बहुत ही सरल और आनंददायी होता है। इसलिए मांसपेशियों के विकास के लिए बच्चों को आउटडोर गेम्स में विभिन्न मुख्य खेल खिलवाए जाते हैं, जैसे पकड़ना, दौड़ना, फेंकना, कूदना, झूलों और रेत में खेलना। इससे बच्चे समूह में बातचीत करना, सहयोग करना, साझा करना आदि सीखते हैं। इसके साथ ही कुछ निर्देशित खेल सरल नियमों के साथ सिखाए जाते हैं और खिलवाए जाते हैं शिक्षकों द्वारा, जैसे कि टिप टिप टॉप, छोटे चूहे बड़े चूहे, गुलदस्ता दौड़, आलू टोकनी दौड़। इससे बच्चे अपनी बारी का इंतजार करना, आपसी सम्मान और सामाजिक व्यवहार भी सीखते हैं। इंडोर गेम्स में दैनिक योजना गतिविधि में सामग्री के अंदर खेले जाने वाले सामग्री के साथ अंदर खेले जाने वाले खेल शामिल, जिसमें सुनने, बोलने, ध्वनि से संबंधित खेल, फल सब्जियां छटवाने का खेल, अंक पहचान, अक्षर पहचान संबंधित खेल, गुड्डे गुड़ियों द्वारा पार्ट्स ऑफ बॉडी की पहचान आदि के खेल खिलवाए जाते। समुदाय के अनसुलझे प्रश्नों के समाधान की दिशा में एक प्रश्न और। शिवा जी, आपके विद्यालय के बच्चों के भाषा और गणित के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है, क्या आप हमारे शिक्षकों से साझा करेंगे कि आपके यहाँ भाषा और गणित का अध्यापन और आधारभूत ज्ञान कैसे कराया जाता है? जी, भाषा विकास के लिए परिवार, आसपास के परिवेश, कहानी, विभिन्न चित्र चार्ट आदि के बारे में चर्चा करके साक्षरता का माहौल दिया जाता है, तथा रेती अक्षरों पर उंगलियां फेरकर लिखने के लिए तैयार किया जाता है। गणित में मूल्यांकों के नाम और परिमाणों के ज्ञान के लिए अंक सीढ़ी, मूल्यांकों के प्रतीकों के परिचय के लिए रेती अंक, इकाई के रूप में गिनती का अभ्यास और परिमाणों व प्रतीकों के सहचर्य के लिए कार्ड कौड़ी, इकाई व दहाई की समझ के लिए सेंगा फलक, शून्य को परिचित करने के लिए शलाखा पेटी, आकृतियों को परिचित कराने के लिए भौमितिक आकृतियां आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रखने और पकड़ने के तरीके भी बताए जाते हैं, ताकि उनकी सूक्ष्म मांसपेशियां मजबूत हो और आगे जाकर उनका पेंसिल पकड़ने का अभ्यास हो जाए। शिवा मैडम, एक बात बताओ कि मॉन्टेसरी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसके लिए कौन सी विशेष गतिविधियां कराई जाती है? जी मैडम, ज्ञानेंद्रियों के विकास में जीवा के लिए खट्टा, मीठा, तीखा आदि का स्वाद कराया जाता है। नाक के लिए विभिन्न तरह के सुगंध और दुर्गंध का अनुभव कराया जाता है। स्पर्श के साधन में रंगीन दंड गोल, कपड़े द्वारा चिकना, खुरदुरा आदि बताया जाता है। दृश्य के लिए गट्टा पेटी द्वारा छोटा बड़ा, गुलाबी मीनार द्वारा बड़ा छोटा, लंबी सीढ़ी द्वारा लंबा छोटा, चौड़ी सीढ़ी द्वारा चौड़ा सकरा और रंग पट्टी द्वारा रंगों का ज्ञान करवाया जाता है। श्रव्य के लिए विभिन्न आवाज की टिप्पणियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मॉड्यूल में भी आया
गया है कि रुचि के क्षेत्रों का विकास कई आयु समूह के बच्चों को संभालने में शिक्षक की मदद करता है। उसी के उदाहरण स्वरूप आप स्क्रीन में फोटो में देख सकते हैं, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। इन गतिविधियों में शिक्षक उन्हें सहयोग देते हैं। में कौन सी गतिविधियां कराई जाती है शिवा बहनों? बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के विभिन्न अंग आदि बताए जाते हैं। इसके साथ ही कक्षा में ही पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वन संरक्षण, पानी के विभिन्न स्रोत, मेला, चिड़ियाघर, जलचर, थलचर, नभचर, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, ट्रैफिक रूल्स, त्योहारों आदि बहुत सारे विषयों से संबंधित मॉडल बनाए जाते हैं, जिनको देखकर बच्चे सरलता से इनसे संबंधित ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। सृजनात्मकता के क्षेत्र में उनसे चित्रों में रंग भरना, चित्र बनाना, छुई मिट्टी के खिलौने बनाना, लो कॉस्ट में हस्तकार करवाया जाता है। पर्यावरण जागरूकता हेतु बच्चों से थोड़ी बागवानी करवाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे झाड़ों से पेड़ पौधों में पानी डलवाया जाता है, साथ ही पेड़ पौधों की देखभाल करना, आलू बोना आदि ये सब सिखाया जाता है। स्वयं की और परिवेश की स्वच्छता बनाए रखना भी सिखाया जाता है। स्वस्थ आदतों के विकास हेतु व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत सीधी रेखा पर चलना, हाथ में बाल्टी रखकर संतुलन बनाते हुए सीधी और टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलना, बिना गिराए अनाज भरना, आसन लपेटना, बोतल में पानी भरना, बटन खोलना लगाना, जूते पॉलिश करना, जूते के फीते बांधना, बाल बनाना, नेपकिन तय करना आदि 25 से 30 पाठ कराए जाते हैं। कला के क्षेत्र में बाल गीत, बड़बड़ गीत, अभिनय गीत, विभिन्न अवसरों के गीत, कहानी की अभिनय द्वारा प्रस्तुति, नृत्य, फैंसी ड्रेस आदि करवाए जाते हैं। इस तरह की बहुत सी बाल केंद्रित गतिविधियां विभिन्न TLM का उपयोग करके पूर्व प्राथमिक के बच्चों से करवाई जाती है। गतिविधियों के साथ ही में बच्चों की प्रगति का आकलन करके प्रगति पत्रक में नोट कर लिया जाता है। इसके साथ ही उनके खाने पीने की स्वस्थ आदतें विकसित की जाती है, जैसे टिफिन में हरी सब्जी लाने पर ताली बजवाई जाती है, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं पौष्टिक भोजन करने के लिए। साथ ही समय समय पर माता पिता से संपर्क स्थापित किया जाता है। इनमें से कुछ गतिविधियां लिंकेज करके प्राथमिक कक्षाओं में भी करवाई जाती है, जिससे बच्चे इन क्षेत्रों में दक्ष हो जाते हैं और प्राथमिक कक्षाओं में छात्र अधिगम प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पास बहुत सारा शब्द भंडार हो जाता है, गणित के कठिन सवाल भी उन्हें सरल लगने लगते हैं, साथ ही ज्ञानेंद्रिय, कला, व्यवहारिक ज्ञान और संगीत ये सब गतिविधियां शामिल होने के कारण उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। उनमें जो मूल्य और संस्कार विकसित होते हैं वो उनके व्यवहार से जीवन की प्रत्येक अवस्था में परिलक्षित होती है। आज की परिस्थिति में जब बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता, तो बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास हेतु गृह संपर्क द्वारा और माता पिता या अभिभावकों को थोड़ा सा इन गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर बच्चों से ये गतिविधियां घर में और परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा आसानी से कराई जा सकती। अब मैं इस मॉड्यूल के समेकन के लिए सुश्री ज्योति भाटिया जी को आमंत्रित करती हूँ। कि जब हम इस उम्र की खासियत की बात कर रहे हैं, तो ये उम्र सिर्फ स्वास्थ्य और पोषण की उम्र नहीं है, ये उम्र है सीखने की, अपने अंदर कई विभिन्न कौशलों के विकास करने की। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये उम्र है जहाँ नींव रखी जाती है और ये एक मौका है जहाँ हम बच्चों से कई सारे अभ्यासों और अनुभवों को उनकी प्राथमिकता के केंद्र में रखते हुए उनकी अभिव्यक्ति के मौके को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब ये सारे काम बच्चे करेंगे तो उनका स्वयं का विकास निश्चित रूप से होगा। और मैं मानती हूँ कि हम सभी शिक्षक साथी इस चीज की महत्व को समझते हैं कि ये इस उम्र में अगर बच्चे के अंदर इन सारी क्षमताओं का हम विकास कर पा रहे हैं तो वह आगे जा करके सीखने में किसी तरह के डर और झिझक का सामना नहीं करेंगे। साथ ही साथ, क्योंकि हमारे पूर्व प्राथमिक के बच्चे प्राथमिक शालाओं के अंदर प्रवेश करेंगे, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को किताबों से, स्कूल से बहुत प्यार होता है, लेकिन कई बार स्कूल का वो व्यवहार
बच्चे में डर पैदा करता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जब हम बच्चे की असीम ऊर्जा और उसके आत्मविश्वास का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग गतिविधियों में, खेल में, संगीत में, संवाद में, नाटक में, तो इसी तरह की उनकी ऊर्जा का और उनके आत्मविश्वास का उपयोग हमें हमारे प्राथमिक शिक्षा के दौरान भी करना होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे पूर्व प्राथमिक शिक्षक इस पर शिवाजी की तरह बेहतर तरीके से काम करेंगे, बच्चों को समझेंगे और उनको उतना महत्व देंगे। अभी अगर हम बात करें तो सीखने के हमने अलग अलग सात क्षेत्रों को देखा था और ये सारे सभी सात क्षेत्र बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करते हैं आने वाली कक्षाओं के विभिन्न विषयों को समझने के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हम डूबना तैरना सिखा रहे हैं, छोटा बड़ा सिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विज्ञान और गणित को शुरुआत करने का एक अचूक माध्यम है। और जब आकलन की बात करते हैं तो आकलन करने के लिए पेपर पेन का इस्तेमाल ना करते हुए बच्चे की दिन प्रतिदिन होने वाली गतिविधियां, उसकी अभिव्यक्ति, उसके अनुभवों का हमें आकलन करना चाहिए और उसके आधार पर हमें उनके पालकों के साथ संवाद करना चाहिए, जिससे पालक इस बात को समझ सके कि वो हमारे केंद्र में कितना और क्या सीख रहा है। हमारी जो शैक्षणिक योजना हमें तैयार करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमारे लर्निंग आउटकम्स को मेल खाती भी हो, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स को पूरा करने में मदद करे, साथ ही साथ किसी एक क्षेत्र पर सिर्फ एक ही गतिविधि का चयन न करे, क्योंकि एक बार में जरूरी नहीं है कि हमारी कक्षा के सभी बच्चे जुड़ सकें। तो किसी एक क्षेत्र के ऊपर, मान लीजिए हमने सौंदर्य का क्षेत्र चुना है, तो उस पर हमें एक साथ 2 से 3 गतिविधियों का चयन उस दिन करना होगा ताकि हमारे सभी बच्चे उसमें जुड़ सके। और निश्चित ही तौर पर हमारी जबलपुर की टीम ने जिस तरह से प्री प्राइमरी के सैद्धांतिक पक्ष को उभारा है, उतने ही खूबसूरती के साथ उन्होंने उसके व्यवहारिक पक्ष और कक्षा की गतिविधियों के साथ जोड़कर भी उसे हम सभी को समझाने में और समझने में बहुत ज्यादा मदद की है। और अब एक आखिरी चीज कि हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस क्षेत्र को गहराई से समझें, अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे सीखते हैं और उनके अनुभवों को हम आगे शामिल करते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मित्रों, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान मॉन्टेसरी की टेक्निक्स की बात बहुत विस्तार से की गई। मॉन्टेसरी का आपने सबने सुना होगा, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने इंद्रिय शिक्षण पर बल दिया। छोटे बच्चों को यदि इंद्रिय शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे थे, क्रमबद्धता की दृष्टि से भी देखें तो खेल गतिविधियों को पहले महत्व दिया गया, फिर बच्चे के सुनने, सुनाने, कहने, बोलने के अवसर देने पर बात की गई, और उसके बाद फिर गणित संक्रियाओं के बारे में बात की गई और अन्य गतिविधियों, संज्ञानात्मक कौशल के विकास की बात की गई। यदि हम बच्चों के साथ इस तरह के वातावरण निर्मित करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों की सीखने की गति एक अलग दिशा में जाती है और बच्चों को जो आनंद का वातावरण चाहिए उसकी शुरुआत होती है। और प्रारंभिक वर्षों में इस तरह की मदद देने के लिए हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग के लिए जिले के एकात्मिक नेतृत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि डाइट ने विभिन्न शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित किया और हमसे आज चर्चा में उनको अवसर दिए और उनकी बातचीत से हम नई बातों को सीखने में सफल हो पाए। इसी तरह से क्रियात्मक अनुसंधान का विशेष महत्व है कि जब हमारे शिक्षक साथी शालेय गतिविधियों में भाग ले रहे होते हैं तो उनको कुछ चुनौतियां आती हैं। कुछ साथी उस चुनौतियों का सामना और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और कुछ साथी उससे परेशान रहते हैं। इस वजह से एक्शन रिसर्च का विशेष महत्व है कि जिसने योजनाबद्ध तरीके से समस्या के निराकरण के लिए कोई प्रयास किए हैं उनको अन्य साथियों तक भी पहुंचाना हमारे जिले के अकादमिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग किस प्रकार दिया जाए, प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने उन्हें जो बातें सिखाई गई हैं उन सीखे हुए ज्ञान को कक्षा में क्रियान्वयन के समय जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करने का और वो उसकी सतत मॉनिटरिंग करते हुए ऑन साइट सपोर्ट देने की भूमिका जिले के अकादमिक नेतृत्व से मेरा आशय है कि सीएसई, बीएसई तथा
जो डाइट की फैकल्टी है और एपीसी एकेडमिक है उनकी भूमिका इस पर महत्वपूर्ण होती है। टीएलएम की वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, उस वर्कशॉप के माध्यम से भी यही प्रयास किए जाते हैं कि शिक्षकों को सीखने के लिए और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पुष्ट करने के लिए किस तरह की सामग्री बनाना आवश्यक है और कक्षा और बच्चों की आयु समूह के अनुरूप किस तरह की सामग्री विकसित की जाए इसका विशेष महत्व है। जैसा कि मॉन्टेसरी प्रशिक्षण संस्थान की बात की गई, इस प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हजारों हजार शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में भी इस संस्थान का उपयोग और सहयोग हमको प्राप्त होगा और जब इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो इस संस्थान के माध्यम से हम प्रशिक्षण के आयोजन करने का आश्वासन देते हैं। प्री प्राइमरी किट विकसित की जा रही है और इस किट का वितरण शालाओं में किया जाएगा। ये एक प्रायोगिक तौर पर सामग्री के रूप में है, लेकिन जैसा कि अभी पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान की शिक्षिका ने अवसर दिए अवगत कराया आपको कि किस प्रकार से सामग्री विकसित की जा सकती है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए किस प्रकार बच्चों को अवसर दिए जा सकते हैं वो आप सब ने बहुत गहराई से देखा है। जो विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं उसमें भी हम बच्चों को सीखने सिखाने के अवसर किस प्रकार दे सकते हैं वो हमारे बीआरसी सीएससी ने शिक्षकों के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक किया है। यही गतिविधियां छोटे छोटे समूह में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के साथ भी की जा सकती हैं। जब हम बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनके ग्रहों में जाते हैं प्रवेश, तो गृह संपर्क के दौरान भी इन गतिविधियों का जो जो प्रक्रिया है, इन गतिविधियों का जो महत्व है वो हम अभिभावकों को, माता पिता को भी बताकर और उनके बड़े भाई बहनों को बताकर भी बच्चों में उन गतिविधियों से उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आईसीटी के प्रयोग में हमारे शिक्षक साथियों की दक्षता विकसित हुई है, इसमें कुछ चुनौतियाँ, तकनीकी चुनौतियाँ भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस टूल को इस रूप में ही देखा जाना चाहिए कि ये शिक्षक का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि शिक्षक की मदद के लिए एक अतिरिक्त टूल है। इसका उपयोग हमारे शिक्षक साथी बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में वो जो ऑडियो और वीडियो देखकर जो रुचि जागृत होती है उस रुचि के माध्यम से वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। जो शिक्षकों के जो उनके साथ विद्यार्थी हैं इस कठिन समय में वो किस तरह से शिक्षक उनको उनको मदद पहुंचा रहे हैं इससे बच्चों के सीखने और बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निष्ठा प्रशिक्षण में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार हमारे शिक्षक साथ